बारिश में गरीब प्याज पराठे बेचने वाली माँ की पांच बेटियां। घड़ी में रात के 10 बज रहे थे। तेज तूफानी बारिश के साथ जोर जोर से बिजली चमक रही थी। वहीं टूटी फूटी झोपड़ी में गरीब बबीता अपनी पांचों भूखी बेटियों के साथ बैठी अपने पति के आने का इंतजार कर रही होती है। माँ, पिताजी कब आएंगे? हमें बहुत जोर की भूख लगी है। पिताजी आते ही होंगे पिंकी, थोड़ी देर और इंतजार कर ले बेटी। काफी देर इंतजार करने के बाद बेचारी बच्चियां भूखी ही सो जाती हैं। तभी रघु बारिश में भीगा हुआ हाथों में शराब की बोतल लिए घर आता है। पीले पीले ओ मेरे जानी, पीले पीले ओ मेरे राजा। क्यों जी, आज फिर से तुम शराब पीकर आए हो? यहाँ तुम्हारे इंतजार में बेचारी मेरी बच्ची भूखी सो गई। कैसे बाप हो तुम? तेरी माँ का मगरमच्छ, देख खाली पीली मेरी खोपड़ी मत खा, देख हट मेरे सामने से, सोने दे मुझे। ये कहकर रघु सो जाता है। बबीता बहुत ही गरीब घर की बेटी थी। जैसे तैसे बबीता की शादी रघु से हो गई। रघु जो पैसे कमाता उसे शराब पी जाता। क्यों भगवान, मेरी किस्मत ऐसी क्यों है? मुझे लगता था कि समय के साथ साथ ये शराब पीने की बुरी लत छोड़कर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, मगर मेरे साथ मेरी बेटियों को भी भूखा रहना पड़ता है। इनकी बुद्धि को बदल दो ताकि ये बदल जाए। लाचार बबीता अभी भी यही उम्मीद लगाए बैठी थी कि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। वक्त गुजरता गया मगर रघु ने शराब पीना नहीं छोड़ा। और एक दिन जब वह शराब पीकर बारिश में घर आ रहा होता है तो एक गाड़ी के आगे आने के कारण वो मर जाता है। एक ही पल में उस गरीब लाचार माँ की पांचों बेटियों के सर से बाप का साया छिन गया। क्यों भगवान, आखिर क्यों तू सारे दुख दर्द हम गरीबों को ही देता है? माँ, पिताजी को क्या हुआ? ये उठ क्यों नहीं रहे? नीतू दीदी, गीतू दीदी, जानी दीदी, माँ क्यों रो रही है? पिताजी ऐसे सोए हुए क्यों हैं? पिताजी हमें और माँ को छोड़कर चले गए पिंकी, वो मर गए हैं। दूर खड़े लोग उस गरीब लाचार माँ की तकलीफों का तमाशा देखते रहे। किसी ने रघु की लाश को कंधा नहीं दिया। ऐसे में बबीता और उसकी मासूम बेटियों ने अपने पिता की लाश को कंधा देकर उनका अंतिम संस्कार किया। दो दिनों तक बबीता और उसकी बेटियां भूखी रही, मगर कहते हैं ना, किसी के चले जाने से जिंदगी कहाँ रुकती है। बबीता को हर हालत में जीना तो था ही, क्योंकि उसके कंधे पर अपनी पांचों बेटियों का पेट पालने की जिम्मेदारी जो थी। माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ माँ, मुझे पिंकी और दीदी को भी भूख लगी है। तुम सब ठहरो, मैं कुछ बनाती हूँ। बबीता घर में कुछ प्याज पड़ा हुआ देखकर पड़ोस से थोड़ा आटा उधार मांगकर प्याज के पराठे बनाकर अपनी बेटियों को खाने को देती है। वाह माँ, आपने कितने स्वादिष्ट प्याज के पराठे बनाए हैं। देखो गुड्डी भी खुशी से खा रही है। माँ, आप प्याज के पराठे बनाकर बेचो, ये बहुत स्वादिष्ट है, इससे आपको अच्छी कमाई भी होगी। गीतू की बात से गरीब बबीता को एक उम्मीद दिखाई देती है और वो कुछ पैसे उधार लेकर सड़क किनारे प्याज के पराठे का ठेला लगाती है। प्याज के पराठे खा लो, स्वादिष्ट खस्ता प्याज का पराठा। थोड़ी ही देर में दो चार लोग उस गरीब प्याज पराठे वाली के ठेले पर आते हैं। अरे ओ बहन जी, जरा जल्दी से दो प्याज के पराठे लगाना। जी अभी देती हूँ भैया। बबीता जल्दी से प्याज के पराठे बनाकर ग्राहक को परोसती है। अरे वाह बहन जी, आप तो बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया प्याज के पराठे बनाते हो। हम जैसे गरीबों के लिए ये सस्ता नाश्ता है, वरना इतने कम पैसों में ऐसा स्वाद कहाँ मिलता है। जी शुक्रिया भैया। बबीता उसी सड़क किनारे पूरे दिन खड़ी होकर प्याज के पराठे बेचती है। पूरे दिन भर प्याज के पराठे बेचकर भी मैंने सिर्फ 100 रुपए कमाए हैं, मगर आज व्यापार का पहला दिन था, अब मुझे घर जाना चाहिए। बबीता अपने प्याज के पराठे का ठेला लेकर घर चली आती है। बबीता पूरी मेहनत और लगन से प्याज के पराठे बनाती। धीरे धीरे उसके ठेले पर प्याज के पराठे खाने वाले ग्राहक बढ़ते जाते हैं। बस भगवान, इसी तरह मेरे प्याज के पराठे का व्यापार चले ताकि मैं अपनी पांचों बेटियों को अच्छी जिंदगी दे सकूं और उसे पढ़ा लिखा सकूं। वह दिन तो अच्छे से बीत जाता है, मगर अब बारिश जैसे बबीता की जिंदगी में इम्तिहान बनकर चली आती है। बबीता रोज की तरह प्याज के पराठे बनाकर लोगों के आने का इंतजार करती है। सुबह से शाम ढल गई मगर ये बारिश तो रुक ही नहीं रही है। थोड़ी देर और इंतजार करती हूँ। एक गरीब रोजी रोटी कमाने के लिए क्या कुछ नहीं सहना पड़ता है। कभी मौसम की मार तो कभी अमीरों की गुलामी तो कभी पुलिस वालों की धौंस तक सहनी पड़ती है। कुछ देर में एक पुलिस वाला रेनकोट पहने उसके ठेले पर आता है। अरे ओ पराठे वाली, चल पैसे निकाल। पैसे? कैसे पैसे साहब जी? हफ्ता निकाल, इस सड़क पर ठेला लगाए बैठी है, पैसे तो देने पड़ेंगे।
साहब जी आज एक भी रुपए की कमाई नहीं हुई है, सुबह से बारिश हो रही है, मेरे पास पैसे नहीं। पैसे नहीं तो हटा अपना ये ठेला यहाँ से। साहब जी मेरा ठेला यहाँ से मत हटाइए, मुझ गरीब पर तरस खाइए, मेरी 5 बेटियाँ हैं, ये प्याज के पराठे बेच कर ही मैं गरीब माँ उनका पेट पालती हूँ। बबीता के लाख गिड़गिड़ाने पर भी जालिम पुलिस वाला उस गरीब लाचार पर जरा भी तरस नहीं खाता और उसके ठेले पर के सामान को बारिश में सड़क पर फेंक कर चला जाता है। बबीता घंटों तक बारिश में उस फुटपाथ पर बैठकर बहुत रोती है। इस दुनिया में गरीब होना सबसे बड़ा पाप है। हम गरीब पर ये पुलिस वाले अपनी वर्दी का रौब झाड़ते हैं। इस पुलिस वाले ने मेरा ठेला तोड़ दिया, अब मैं अपने प्याज के पराठे किस पर बेचूंगी। देर रात को बबीता अपना बचा खुचा बर्तन और सामान लेकर घर लौट आती है, तभी सुहानी उसकी सूजी हुई आंखें देख लेती है। माँ आप रोई है ना, क्या हुआ माँ बताओ ना। बबीता अपनी बेटियों को पूरी बात बताती है। मैंने सोचा था कि प्याज के पराठे बेचकर मैं तुम पांचों को अच्छी जिंदगी दूंगी, खूब पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, मगर सब खत्म हो गया। कुछ भी खत्म नहीं हुआ है माँ, आपकी पांचों बेटियां आपके साथ हैं। हाँ माँ अब आपकी पांचों बिटिया भी आपके साथ प्याज के पराठे बेचेंगी। माँ बारिश के मौसम में ज्यादातर भीड़ चाय वालों की दुकान पर होती है, हम भी चाय की टपरी खोल लेते हैं, देखना गर्मा गर्म चाय के साथ लोगों को प्याज के पराठे बहुत पसंद आएंगे। कुछ ही दिनों में बबीता फुटपाथ पर एक चाय की टपरी खोल लेती है और प्याज के पराठे भी बनाती है, जिससे बारिश में ज्यादातर लोग अब बारिश में चाय पीने वहां आते। और एक दिन पूरब नाम का एक बहुत ही पढ़ा लिखा शख्स वहां चाय पीने आता है। कहिए साहब जी आपके लिए क्या लाऊं, चाय या प्याज के पराठे? बस एक कप चाय। चाय के साथ गर्मा गर्म प्याज के पराठे भी खा लो साहब जी, 10 रुपए के 2 पराठे हैं, हमारी माँ बहुत स्वादिष्ट पराठे बनाती है। नीतू और पिंकी के बार बार कहने पर पूरब कहता है ठीक है 2 पराठे ले आओ। इतने में गीतू नीतू और पूजा तीनों प्याज के पराठे और चाय लेकर पूरब को देती है और 5 साल की पूजा कहती है योर ऑर्डर सर, दिस इज योर टी एंड पराठा। क्या बात है तुम्हें तो इंग्लिश बोलना आता है, तुम स्कूल जाती हो? नहीं अंकल, क्योंकि हमारी माँ के पास अभी इतने पैसे नहीं है कि हम स्कूल जाएं, हमें हमारी सुहानी दीदी पढ़ाती है, मगर जब हमारी माँ का प्याज का पराठे का बिजनेस अच्छा जम जाएगा तो हम पांचों बहनें स्कूल जाकर खूब पढ़ेंगे। इतने में सुहानी वहाँ आती है। यू आर डूइंग ग्रेट सुहानी, मैं एक गवर्नमेंट स्कूल का टीचर हूँ। बहन जी आप अपनी बेटियों का मेरे स्कूल में एडमिशन करा दीजिए, क्योंकि ये बहुत बेहतर कर सकती है, ये बहुत ही समझदार और मेहनती है। मुझ गरीब मजबूर माँ की मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी, मैं कल अपनी बेटियों को स्कूल में दाखिला जरूर दिलाऊंगी, आप मुझ गरीब प्याज के पराठे बेचने वाली की बेटियां भी पढ़ पाएंगी। ये कहते हुए गरीब बबीता की आंखें भर आती और सुहानी भी खुश होकर कहती है थैंक यू सो मच सर। अगले दिन बबीता अपनी बेटियों को स्कूल में दाखिला दिला देती है और धीरे धीरे उसके स्वादिष्ट प्याज के पराठों का स्वाद लोगों की जुबान पर चढ़ जाता है, जिससे कि जो भी एक बार बबीता के बनाए हुए प्याज के पराठे खाता वह परमानेंट उसका ग्राहक बन जाता, जिससे अब उसके प्याज के पराठे ग्राहक की पहली पसंद बन जाते हैं और उसे अच्छी कमाई होती है, जिससे बबीता का अपनी 5 बेटियों की अच्छी जिंदगी देने और उन्हें खूब पढ़ाने लिखाने का सपना सच हो जाता है। कभी कभी कुछ सपने ना पूरा होने में वक्त लगाते हैं, मगर लगन और मेहनत पक्की हो तो वो सपने पूरे जरूर होते हैं। गीतू जमीन पर बैठकर नमक रोटी खा रही होती है, तभी उसकी सहेली पल्लवी और अनन्या ढेर सारी शॉपिंग बैग्स लिए वहां आती हैं। उन्हें देखकर वो अपनी गरीब खाने की थाली छिपाते हुए कहती है अरे पल्लवी अनन्या तुम दोनों यहाँ, अच्छा रुको मैं जरा आती हूँ। गीतू खाने की थाली लेकर रसोई में चली जाती है, तभी पल्लवी कहती है अनन्या तूने देखा गीतू नमक रोटी खा रही थी, सच में एक गरीब की जिंदगी भी कोई जिंदगी नहीं होती, उन्हें अच्छा खाना भी नहीं मिलता। तू चिंता मत कर आज हमारी सहेली 7-स्टार होटल में बैठकर अमीरों वाला खाना खाएगी, क्योंकि आज उसका जन्मदिन जो है। अरे तुम दोनों क्या बातें कर रही थी जो मेरे आते ही चुप हो गई? वो तो हम तुम्हें नहीं बता सकते, नहीं तो हमारा सरप्राइज खराब हो जाएगा। बस तुम जल्दी से इस ड्रेस को पहनकर रेडी हो जाओ, हम बाहर गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। गीतू जल्दी से अपनी दोनों सहेलियों का दिया हुआ ड्रेस, जो कि बहुत ही महंगा सूट होता है, पहनकर तैयार होकर बाहर आ जाती है और पल्लवी गीतू के आंखों पर एक पट्टी बांध देती है और दोनों उसे शहर के सबसे महंगे 7-स्टार होटल में लेकर आती है। अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। जैसे ही गीतू आंखें खोलती है तो देखती है कि एक
चमचमाती हुई टेबल पर बड़ा ही महंगा सा केक रखा होता है, जिसे देखकर गीतू की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं। तुम दोनों को मेरा जन्मदिन याद था? याद कैसे नहीं होता, हमारी सबसे प्यारी सहेली का जन्मदिन जो था। चलो बिना देरी किए जल्दी से केक काटो। गीतू खुश होकर केक काटती है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर गीतू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे हमारी प्यारी सहेली। इसके बाद पल्लवी गीतू के मनपसंद का खाना ऑर्डर करती है। देखो गीतू, हमने सारा खाना तुम्हारी मनपसंद का ऑर्डर किया है, ये लो पहली बाइट हमारे हाथों से खाओ। दोनों सहेलियां गीतू को अपने हाथों से खाना खिलाती हैं। अनन्या, पल्लवी, थैंक यू सो मच, तुम दोनों ने मेरे जन्मदिन को इतना खास बनाया, वरना मुझ गरीब की किस्मत में इतने महंगे 7-स्टार होटल में बैठकर अमीरों वाला खाना कहाँ होता। तुम दोनों बाकी अमीरों की तरह बिल्कुल भी नहीं, तुम दोनों का दिल बहुत बड़ा है, तभी तो मुझ गरीब के पास एक नहीं बल्कि दो दो अमीर दोस्त हैं। कीतू, आज तो तुमने खुद को गरीब कह दिया, मगर फिर कभी मत कहना। नहीं कहूंगी अनन्या, देखो ना इस टेबल पर कितना सारा खाना बचा है, क्या मैं इस खाने को घर ले जाऊं ताकि मेरे माँ पिताजी भी अमीरों वाला खाना खा लेंगे। हाँ गीतू, मैं खाना पैक करवा देती हूँ। इसके बाद गीतू अपने घर आ जाती है। माँ पिताजी, आज आपको रूखा सूखा खाने की जरूरत नहीं, देखो आपकी गरीब बेटी अमीरों वाला खाना लेकर आई है। गीतू बेटी, तेरे लिए एक रिश्ता आया है, तू तो जानती है बेटी हम लोग कितने गरीब हैं, और फिर जिससे तेरी शादी होने वाली है उन लोगों ने हमसे दहेज की मांग भी नहीं की। मगर पिताजी। हाँ कह दे गीतू बेटी, तू तो जानती है तेरे पिताजी के पास इतने पैसे नहीं जो दहेज दे सके, इससे पहले कि ये दुनिया जमाना मुझे और तेरे पिताजी को तेरी शादी ना होने का ताना मारे, तू मान जा। अपनी गरीब माँ बाप की बात मानकर गीतू शादी के लिए हाँ कर देती है, और उसकी शादी गरीब हरि प्रसाद के घर में हो जाती है। आओ आओ नई बहू, आज से इसे अपना ही घर समझो, बड़ी बहू अपनी देवरानी का गृह प्रवेश कराओ। देवरानी जी, इस कलश को गिराकर अंदर आ जाइए। गीतू का ससुराल बहुत ही गरीब था, घर चलाने की जिम्मेदारी है अनूप और ललित के कंधों पर। दोनों ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए एक फैक्ट्री में काम करते थे, जिससे बड़ी ही मुश्किल से घर का गुजर बसर होता था। कुछ ही दिन में गीतू ने बहू होने की जिम्मेदारियों को संभाल लिया था। जीठानी जी, रसोई में तो एक भी सब्जी नहीं और आटा भी इतना थोड़ा सा है, इतने थोड़े से राशन में सभी का पेट कैसे भरेगा? देवरानी जी, अभी देवर जी को और ललित को फैक्ट्री से पैसे मिलने में 2 दिन बाकी हैं। हमें हिसाब से राशन जलाना होगा, ये थोड़ी सी दाल और आधी आटे की रोटी बना दो। गरीबी के कारण गीतू सभी के हिस्से की 2-2 रोटियां गिनकर बनाती है और सभी को दाल रोटी खाने को देती है। गीतू बहू, खाना बन गया क्या? जी बाबूजी, अभी लाती हूँ। चाची चाची, मुझे और चिंकी को भी बहुत जरूर की भूख लगी है, हमारे लिए भी खाना ले आओ। गीतू सभी को दाल रोटी परोस देती है, सभी खाना शुरू करती हैं। अरे वाह चाची, आपने कितनी स्वादिष्ट दाल बनाई है, एक रोटी और दे दो। एक रोटी मुझे भी। अभी देती हूँ बच्चों। बेचारी गरीब बहू अपने हिस्से की रोटी दोनों बच्चों को खाने को दे देती है और खुद भूखी सो जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। गीतू हर दिन अपने ससुराल वालों को खिलाने के बाद आखिर में खाती है, जिससे उसे सबसे थोड़ा खाना मिलता और कभी कभी तो खाना ही नहीं बचता था, जिसे देखकर एक दिन अनूप कहता है, क्या बात है गीतू, तुम अपने खाने पीने पर ध्यान नहीं दे रही हो क्या? मैं देख रहा हूँ तुम बहुत ही कमजोर होती जा रही हो। अजी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अच्छे से खाना खाती हूँ। गीतू अपने पति अनूप से झूठ बोल देती है। एक तरफ जहाँ गरीब घर की बहू बनकर गीतू को रूखा सूखा खाने के सिवा कभी अच्छा खाना नहीं मिलता, वहीं उसकी दोनों सहेलियाँ अनन्या और पल्लवी अच्छी जिंदगी जी रही होती हैं। एक दिन दोनों सहेलियाँ एक कॉफी शॉप में एक दूसरे से मिलती हैं। अनन्या, कितने वक्त बाद हम दोनों मिल रहे हैं। हाँ, तू अब्रॉड जो चली गई थी, अब तू आ गई है, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम दोनों अपनी सहेली गीतू से मिलाएं। वैसे भी परसों उसका बर्थडे है, हम उसकी ससुराल चलकर उसे सरप्राइज देंगे। That's the good idea.
दोनों सहेलियां साथ मिलकर बिना बताए गीतू का बर्थडे मनाने बहुत सारा अमीरों वाला खाना लेकर उसके ससुराल आती हैं, जहां सोनू और चिंकी दरवाजे पर बैठे होते हैं। तभी दोनों गाड़ी से बाहर निकलती हैं। बेटा, हम गीतू से मिलने आए हैं, क्या तुम बता सकती हो उसका घर कौन सा है? सोनू भुखमरी नजरों से उनके हाथों में ढेर सारा खाना देख कर भागता हुआ अंदर जाता है। चाची चाची, चलो मेरे साथ, आपकी दो अमीर सहेलियां बड़ी सी गाड़ी में बैठकर आपसे मिलने आई हैं। इतने में चिंकी पल्लवी और अनन्या को अंदर ले आती है, जहां गीतू फटी पुरानी साड़ी पहनी थी। उसकी यह हालत देखकर पल्लवी और अनन्या रो पड़ती हैं। गीतू, हमारी प्यारी सहेली, ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? मैं ठीक हूँ, आओ ना यहाँ बैठो। गीतू झिझकते हुए खाट बिछाकर उन्हें बिठा देती है और उन्हें पानी लाकर देती है। इतने में राधा और पार्वती भी फटी चिटी साड़ी पहने वहां आती हैं। माँ जी, जेठानी जी, ये मेरी सहेलियां हैं पल्लवी और अनन्या। नमस्ते माँ जी। जीती रहो बेटी, तुम बैठो, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। राधा बहू, तुम मेरे साथ आ। ये कहकर पार्वती राधा रसोई में आती है। माँ जी, देवरानी जी की सहेलियां तो इतनी अमीर हैं, उन्हें तो अमीरों वाला खाना खाने की आदत होगी, क्या वो हम गरीबों के घर का रूखा सूखा खाना खाएंगी? राधा की कही गई बातें पल्लवी और अनन्या सुनकर वहां आ जाती हैं। माफी चाहती हूँ माँ जी, मगर हम दोनों गीतू की सहेलियां हैं, हम आपसे अलग नहीं हैं। आप हमें खुशी से जो भी खिलाएंगे हम खाएंगे, मगर उससे पहले आप सभी और हमारी प्यारी सहेली हमारा लाया अमीरों वाला खाना खाएंगी। पल्लवी ऐसा कह ही रही होती है कि तभी घर के बाकी लोग भी घर लौट आते हैं, जिसके बाद अनन्या और पल्लवी सभी को अमीरों वाला खाना परोसती हैं। आप सभी शुरू कीजिए। अरिफा आंटी, ये अमीरों वाला खाना तो बहुत ही टेस्टी और यमी है। पता है आंटी, हमने आज से पहले इतना स्वादिष्ट खाना पहले कभी नहीं खाया था, क्योंकि पापा और चाचू को बहुत कम पैसे मिलते हैं, जिससे हम सब तो खा लेते हैं, मगर चाची अक्सर भूखी रह जाती हैं। ये सुनकर दोनों अमीर सहेलियों की आंखों से आंसू डबडबा जाते हैं और सभी के खाना खाने के बाद गीतू कहती है, अनन्या पल्लवी, समझ में नहीं आता कि तुम दोनों का शुक्रिया अदा किन शब्दों में करूं। पता है, जब से मेरी शादी हुई है मैंने अपने गरीब ससुराल वालों को रूखा सूखा ही खाता देखा है, मगर आज तुम दोनों के कारण मेरे साथ मेरे गरीब ससुराल वालों ने भी अमीरों वाला खाना खाया है। थैंक यू सो मच। दोस्ती में नो थैंक्स नो सॉरी, समझी? जीजू, आप ये पैसे रख लीजिए और अपना कोई स्टार्टअप शुरू कीजिए। हम अपनी सहेली को और आप सभी को ऐसे नहीं देखना चाहते, बल्कि खुश देखना चाहते हैं। शुक्रिया पल्लवी, तुम गीतू की पक्की सहेलियां हो जो उसके लिए इतना कर रही हो। मैं बहुत ही जल्दी ये पैसे तुम्हें लौटा दूंगा। अब अनूप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर देता है, जिसमें गीतू उसकी मदद करती है, जिससे धीरे धीरे गरीब बहू के घर की हालात ठीक हो जाते हैं और वो अपने ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।